हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आपको फ्राइडे का जो एनालिसिस है वो पसंद आया रहेगा, जहां पे मैंने अच्छा खासा कहा था कि मार्केट मोस्टली कितना भी ऊपर जाने दो आज के दिन में, बट जो ओवरऑल डायरेक्शन रहेगा वो नीचे ही रहेगा। अब सिर्फ एक ही मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा कि मार्केट नीचे तो था बट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, लगभग आप देखोगे साइड मूव में ही गिरा। इसके लिए हुआ क्या? तो जो हमेशा हमें बड़ा प्रॉफिट होता है आज नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम आज मैं आपको दो चीज़ एंड में और बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप अगले एक या दो हफ्ते के लिए देख सकते हो, होल्ड करने के बारे में सोच सकते हो, स्टडी कर सकते हो, जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग और टेक्निकली एट द राइट टाइम ऑफ बाइंग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंड तक बने रहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो लोग नए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कैसे करते हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करोगे। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट। और क्योंकि आप देख रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत मिस करना। तो आइए देखते हैं दिन भर में आज हमने कौन से ट्रेड्स देखे। सबसे पहले क्या था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक फंटास्टिक नौकरी का ट्रेड हमने दिया था। अब ये एनालिसिस किया भी था बट आप देखोगे क्योंकि मार्केट वीक था, 155 से टारगेट 203 नहीं अचीव हुआ बट 190 तक चला गया, विच इज मोर और लेस गुड इनफ। यहाँ पे देखोगे 190, और हमने ये कहा भी था, तो एनीवेज ये सही था, नौकरी का जो ऑप्शन का ट्रेड था। बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे क्योंकि मार्केट साइडवेज था, तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 पॉइंट से बैंक निफ्टी का ट्रेड टारगेट हिट होने से बच गया, बट मोर और लेस ये साइड मार्केट में ऐसे ही होता है। एंड एट द सेम टाइम और एक ट्रेड में 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ। तो ये दिन भर की कहानी थी जो हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाली थी। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, और आप भी ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक इवेंट आज जो CPI डेटा है उसको आपको डेफिनेटली ट्रैक करना है। मोस्टली अंदाज़ा ये है कि 18 महीने का जो लो है वो CPI इन्फ्लेशन डेटा मई का होगा, एंड विच विल बी रियली फंटास्टिक फॉर मार्केट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लो, आप ट्रेडर है, आप CPI इन्फ्लेशन का डेटा देख रहे हो, अगर CPI इन्फ्लेशन डेटा बढ़ रहा है तो आपको डेफिनेटली डरना है। क्यों? क्योंकि इससे होता क्या है कि RBI भी डर जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, और आप सभी को पता है जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है कि मई 2023 टू बी लोअर देन 18 मंथ्स। इसका मतलब क्या है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ कल मार्केट के लिए हो सकती है, बट मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट ऊपर जा सकता है, और तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। तो आइए फटाफट हम 15 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ आवर एनालिसिस। ये निफ्टी का चार्ट है। अब डेली के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? तो डेली के चार्ट में आपको दिख रहा है डोजी, एंड डोजी इज़ अ न्यूट्रल कैंडल, राइट? आप इस पे डिसीजन ले ही नहीं सकते। आपको डिसीजन कब लेना है? बहुत सिंपल है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर वाला ट्रेड हो सकता है, इसके नीचे ब्रेकआउट हुआ तो नीचे वाला ट्रेड हो सकता है। तो डोजी का मतलब ही है कि ये रेंज में आप ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट आपको रुलाएगा। तो आज के दिन में क्या हो गया है? डोजी फॉर्म हो गया, या न्यूट्रल या इनडिसिसिव कैंडल, यानी कि डिसीजन नहीं ले सकते वैसे कैंडल फॉर्म हो गई है। अब हमें क्या लगता है, या मुझे क्या लगता है आप पूछोगे, कब ट्रेड लेना चाहिए? तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा 15 मिनट्स में बताता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या लगता है और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। मैं ये थोड़े समय के लिए RSI निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे ना, सबसे पहला क्या है कि ये आज का डे हाई है, ओके? और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये डे हाई के नज़दीक और एक स्पाइक है जो ये वाला है, ओके? इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर। आज ये नीचे यहाँ से ही क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग प्रेशर था, राइट? इसके लिए क्या हो गया? तो ये इधर से ही नीचे घूम गया। तो मैं
एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो कल एक्सपेक्ट करता हूं, या मैं आपको बुलिश मार्केट है कब कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं, वापस मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम के लिए मार्केट बुलिश ही है, बट ये टाइम फ्रेम भी देख लो, मैं 15 मिनट्स की बात कर रहा हूं, ओके? तो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कब बुलिश है, अगर कल 18650 के ऊपर गैप अप हो गया, नंबर नोट कर लेना, 18650 के ऊपर गैप अप हो गया और मार्केट ने सुस्टेन भी कर लिया कुछ इस तरीके से, तो आप समझ लो मार्केट बुलिश है और आपका इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट होगा 18680, ओके? 18650 के ऊपर चला गया, ऐसी कैंडल बन गई, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 18680। तो हमें गैप अप का एक सॉल्यूशन मिल गया, ओके? अब दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप बना तो सही यहाँ पे, ओके, बट वापस नीचे आ गया जैसे आज हुआ था, ओके तो इसका मतलब क्या है कि कल के दिन में भी वीकनेस है, अननेसेसरली बड़े बड़े ट्रेड मत लेना। और ये कहाँ तक जाके रुकेगा, तो यहाँ से देखो वापस इधर, वापस इधर, वापस इधर, और जब ये जोर से ऊपर जाएगा तब जाके हमें ऊपर का वेव या ऊपर की रैली आ जाएगी, उसका कंफर्मेशन मिलेगा। तो ऐसा अगर कैंडल रहेगा, आप देखोगे बहुत कंफ्यूजन और प्रॉब्लम होता है, तो ये कैंडल पे मैं कहूँगा थोड़ा सा कल आराम कर लेना, मॉर्निंग में ही ट्रेड करने के लिए मत जाना। तो मैंने देखो गैप अप और ग्रीन कैंडल, गैप अप रेड कैंडल दोनों का एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो कल अगर गैप अप भी हुआ तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो मुझे एक बार कंफर्म करो कि यस अंडरस्टूड, ओके। अब सेकेंड चीज क्या है कि ये अगर गिर गया, समझो ये मार्केट, समझो कुछ तो हो गया और गिर गया, तो कहाँ तक जा सकता है? तो ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ओके, जहाँ पे अच्छा खासा मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इसके नीचे अगर ओपन हुआ ना, तो भले थोड़ा सा ऊपर जाने दो, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है, 18600 के ऊपर नहीं जाता है, आपको नीचे का ही सोचना है। और कहाँ तक नीचे का सोच सकते हो, जो मैंने आपको फ्राइडे को भी कहा था, 18488, ओके? इसका मतलब क्या है तो वापस नोट कर लो, 18580 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 18560 आपका पहला टारगेट होगा, ओके? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे वापस बाइंग प्रेशर है, और 18490 मैं आपका कहूंगा फाइनल टारगेट रहेगा, इसके नीचे सोचना भी मत, ओके? तो यही चीज है जब मैंने कहा था कि मार्केट धोखा दे देगा, सबको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और वो जाना भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम क्योंकि मार्केट मार्केट है, अपने मन का राजा है, तो ये आपको समझ लो कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस कब है। तो डेफिनेटली अगर 18580 के पे ऐसा अगर कुछ कैंडल फॉर्म हो रहा है तो बहुत संभल के रहना, इसके ऊपर भी गया तो भी वापस पहला 18560 तक जाएगा, स्पाइक बनाएगा, वापस नीचे जाएगा। तो होप आपको दोनों मार्केट के लेवल्स पता रहेंगे, 18580 के नीचे शॉर्ट बी के बारे में सोचना है, और यहाँ पे आप देखोगे 18650 के ऊपर विथ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ही सी के बारे में सोचना है, 18650 के ऊपर ही ऐसा कुछ बन रहा है ग्रीन में, तो सी के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर किया। एक बार बीच में क्या होगा तो मार्केट रुलाते बैठेगा, आप कितना भी ट्राई कर लो आपको समझेगा ही नहीं कि मार्केट किधर जा रहा है, ओके? आप यहाँ पे आप देखोगे ना 18580 आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप देखोगे एक अच्छा खासा पुट का बिल्टअप हो गया। आज अगर देखोगे ना, दिन भर में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पुट बिल्ट हुआ और कॉल राइटिंग कम हो गई, तो ये बुलिशनेस दर्शाता है, ओके? ये दर्शाता है कि 18600 इतने नीचे मार्केट जाने नहीं देगा, और अगर मॉर्निंग में ही चला गया तो समझ लो कि बहुत सुपर वीकनेस है। इसका मतलब क्या है, तो इतना बड़ा आज का जो मेहनत था मार्केट का पुट बिल्टअप करने का, वो सब बेकार हो गया। तो 18600 मोस्टली कल जाना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि चार ओपन इंटरेस्ट ऐसे बता रहा है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्या आपको अभी नीचे के डायरेक्शन में वीकनेस दिखाई दे रहा है?
नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये देखो स्ट्रेंथ दिख गया, ये देखो स्ट्रेंथ दिख गया, बट आज के दिन में आप देखोगे किधर स्ट्रेंथ है, नीचे जा ही नहीं रहा है, जस्ट ईसीजी या हार्ट अटैक आया मार्केट को, ऐसे कुछ बना रहा है। ओके, तो ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, आज के तारीख में देखो ये वीकनेस है। ओके, तो डेफिनेटली वीकनेस कौन से डायरेक्शन में है, नीचे के डायरेक्शन में वीकनेस है। बट क्या इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट ने नीचे के डायरेक्शन में जाने का वीकनेस दिखा दिया, बट आप मुझे बताओ क्या मार्केट ने पूरे इसमें ऊपर के डायरेक्शन में जाने का स्ट्रेंथ दिखाया कि नहीं दिखाया? यस कि नो लिखना, नो स्ट्रेंथ इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप ये लिख रहे हो तो मैं समझ जाता हूं कि आप सीख रहे हो। यहां पे देखो नीचे के डायरेक्शन में वीकनेस है, यानी कि नहीं ज्यादा जाएगा, ये कंफर्मेशन तो दे दिया, बट ऊपर के डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है इसका कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं है। तो कुछ भी अज्यूम मत करना कि कल बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, बहुत पैसा कमाऊंगा सी लेके, ये नहीं पॉसिबल है। सिर्फ मुझे इतना ही डिटेल मालूम है कि मार्केट नीचे इतने आसानी से नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो कल वापस मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। ओके, वी डोंट नो, मार्केट एक दिन टाइम पास कर सकता है, दो दिन टाइम पास कर सकता है, मार्केट अपने मन का राजा है। बट एट द सेम टाइम कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट में नीचे के डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है? बहुत सिंपल है, 44050 के ऊपर जाके अगर कुछ ऐसे कैंडल बन रही है, फास्ट फास्ट ये हो रहा है, तब आप देखोगे तो एक शॉट में मार्केट 43750 जाएगा। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, 44 के ऊपर लॉन्ग का सोचना है, 44 के नीचे जब तक मार्केट है तब साइडवेज का सोच सकते हो, या फिर वापस नीचे जा रहा है तो ही शॉर्ट सोच सकते हो। तो हमेशा दिमाग में बिठा के रहना। और 44 के कहां तक ऊपर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 44089 तक, और उसके बाद में 44 300 200। अगर आपको लग रहा है स्ट्रेट अवे 44 के ऊपर 400-500 पॉइंट की रैली देगी, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर है। तो होप आपको ये पूरा का पूरा लॉजिक पता चला रहेगा। अब ये जस्ट व्यू है, ऐसे बेसिस पे कल अब कहाँ पे एंट्री लेना है ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं कुछ ना कुछ गाइड कर सकता हूँ। ओके, वीक रहेगा, वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा या ये होगा, बट अगर स्ट्रांग मूव है तो डेफिनेटली हम कैच करके 40, 50 या 100 पॉइंट भी कमा सकते हैं, जैसे फ्राइडे को हमने किया था। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अब जो मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी रुके हैं जो दो स्टॉक्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं। आप देखोगे एशियन पेंट्स, ओके, कल अगर ये पॉजिटिवली पूरा ऐसा कुछ फुल बॉडी कैंडल ऐसा ऐसा क्लोज होता है ना, तब आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे बहुत अच्छा लेवल्स है इसका, 337 ये वाला 3350 तक आप देखोगे हार्डली, मीन्स जो जहाँ पे भी क्लोज होगा, थ्री समझो 220 की एंट्री, 3150 का समझो स्टॉप लॉस, बट 3350 सिर्फ पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 3500 का रहेगा। बहुत ही फंटास्टिक स्टॉक है। तो ये स्टॉक का भी आपको लॉन्ग टर्म में 2-2.5 साल में नॉर्मली पैसा देता है, बट आप डबल पैसा देता है, बट आप अपना रिसर्च करना। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको टिप्स या ये नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। सेकेंड जो है वो आप BHEL पे भी ध्यान दे सकते हो, BHEL भी बहुत अच्छा है। जैसे ही ये 86 के ऊपर या 86.50 के ऊपर क्लोज होगा ना, आप देखोगे 92 आएगा, और आप बिलीव नहीं करोगे 112 तक ये जा सकता है। कैसे पता चला? टेक्निकल एनालिसिस से पता चला। आपको जानना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना। थैंक्स अ लॉट, एंड इट वॉज प्लेजर टीचिंग यू ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट।